अगर दोस्तों आप भी कामयाब बनना चाहते हैं, आप भी सक्सेसफुल इंसान बनना चाहते हैं, तो एक बात को कान खुल के सुन लो मेरे दोस्त। इस दुनिया में जितना सारे लोग अमीर और कामयाब हुआ है, कहीं ना कहीं वो बेचे बिना कभी भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है। यानी इस दुनिया में जितना सारे लोग कोई ना कोई काम कर रहा है, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म से बिलोंग करता हो, उन सारे लोग जाने या अनजाने से या तो अपना टाइम बेच के पैसा कमा रहा है या तो अपना बातचीत बेच के पैसा कमा रहा है मेरे दोस्त। चाहे एक लेबर हो, वो क्या करता है, सारा दिन भर मेहनत करता है, अपना टाइम बेचता है और पैसा कमा लेता है। एक डॉक्टर अपना स्किल को बेचता है, अपना बातचीत को बेचता है और वो उसी जगह से पैसा कमा लेता है। एक एडवोकेट क्या करता है, अपना बातों को बेच के पैसा कमाते हैं मेरे दोस्त। यानी इस दुनिया में जितना सारे बड़ा बड़ा कंपनी है, उन सारे कंपनी कोई ना कोई प्रोडक्ट बेचता है या तो सर्विस बेचता है, लेकिन गरीब लोग क्या करता है, गरीब लोग बेचने को नफरत करता है। ये सोचता है कि मैं बेचूंगा नहीं भाई, अगर आप बेचोगे नहीं तो सारा जिंदगी भर मरने दम तक आप काम करते ही रह जाओगे, जिंदगी भर कभी भी अमीर नहीं बन पाओगे या तो ज्यादा पैसा नहीं कमा पाओगे मेरे दोस्त। अगर ये चीज अगर दिमाग में घुसा लिया, अगर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं या तो कामयाब बनना चाहते हैं, तो आपको ऐसा कोई ना कोई प्रोडक्ट या तो सर्विस प्रोवाइड करना पड़ेगा हमारा सोसाइटी में, ताकि उस प्रोडक्ट या सर्विस आपके लिए काम कर सके और आपका अमीर बनने का जो रास्ता है उसको सिंपल कर सके। दोस्तों हमारा देश का मशहूर एक्टर अमिताभ बच्चन ने बहुत सारे पैसा कमा लिया, किस चीज से पता है, नवरत्न तेल बेच के बहुत सारे पैसा कमा लिया, करोड़ों रुपया कमा लिया है। यानी जितना बहुत सारे मूवी बना के नहीं कमा पाया है, एक चीज का ऐड दे के, एक चीज का सेलिंग प्रोफेशन में जाके वो करोड़ों रुपया कमा लिया है दोस्तों। वो है सेलिंग प्रोफेशन, यानी बेचना। जो लोग नौकरी करता है यानी छोटा मोटा काम करता है, वो भी बहुत सारे लोग कहता है कि मैं कामयाब बनना चाहता हूं लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहा हूं। दोस्तों कामयाब नहीं हो पाने की एक ही वजह है, या तो वो जो काम कर रहा है उसी काम का साथ साथ अपना माइंड का ऊपर काम नहीं कर रहा है, यानी अपने आप का ऊपर काम नहीं कर रहा है। दोस्तों अपने ऊपर काम करने का मतलब क्या है, यानी अपना बातचीत का ऊपर काम करना, अपना दिमाग का ऊपर काम करना। पैसा तो कमाया जाता है दिमाग से मेरे दोस्त, ना कि शरीर से। अगर पैसा शरीर से कमाया जाता तो इस दुनिया का सबसे बड़ा अमीर इंसान होता मजदूर लोग, श्रमिक लोग। ज्यादातर लोग नौकरी से घर जाने का वक्त क्या करता पता है आपको, टीवी देखने के लिए बैठ जाता है। लेकिन सक्सेसफुल लोग कभी भी टीवी नहीं देखता है मेरे दोस्त। ये चीज कान खुल के सुन लो और दिमाग में घुसा लो, टीवी कभी भी नहीं देखना है। अगर टीवी देखने के लिए जाओगे तो आप कभी भी टीवी में आ नहीं पाओगे मेरे दोस्त। कामयाबी बनने के लिए और एक चीज है, लगातार प्रयास। इस दुनिया में जितना सारे लोग सक्सेसफुल हुआ है, हर एक लोग का फेलियर स्टोरी भी है, सक्सेस स्टोरी भी है, लेकिन उन सारे लोग एक दिन में कामयाब नहीं हुआ है मेरे दोस्त। उन सारे लोगों का कामयाबी का पीछे बहुत सारे रात है, बहुत सारे मेहनत है, बहुत सारे परेशानियां है, लेकिन उन सारे लोग आपको परेशानी के बारे में बताता नहीं है। जब लोग कामयाब हो जाता है, उसका कामयाबी के बारे में ज्यादा बताने लगते हैं मेरे दोस्त। जब साइंटिस्ट थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब को डिस्कवर किया था, उन्होंने कितना बार फेल हुआ पता है आपको, 9999 बार। तब जाकर उन्होंने एक सक्सेसफुल बल्ब बनाने की तरीका को अपनाया और आज हम लोग उसी का बल्ब में बैठ के रात में भी दिन की तरफ हर एक काम कर पा रहे हैं मेरे दोस्त। अगर हम लोगों का तरफ एक आम इंसान होता तो उन्होंने कहीं ना कहीं सोच लेता कि मैं एक बार कर चुका हूं, तीन बार कर चुका हूं, 10 बार कर चुका हूं, 1000 बार कर चुका हूं, 2000 बार कर चुका हूं, लेकिन और अब नहीं करना है। अपना जो माइंड है ना, उसको नेगेटिव इंस्ट्रक्शन दे देने की वजह से वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाता है और अपना माइंड ब्लॉकेज हो जाता है और कामयाबी होने का रास्ते के बारे में सोच नहीं पाता है दोस्तों। इसलिए ज्यादातर लोग
असफल हो जाता है, फेलियर हो जाता है। फेलियर हो जाने का बावजूद भी आपको घर में बैठ के नहीं रहने का, आपको दोबारा प्रयास करने का, क्योंकि कामयाबी का राज यही है मेरे दोस्त, कंसिस्टेंसी। जिस पत्थर में घाव मरते जाओ मरते जाओ मरते जाओ, लेकिन लास्ट 100 बार में टूट गया है, एक से लेकर 99 तक आपका मेहनत जारी रहा, जिनके नतीजा 100 बार हथौड़ा मरने के बाद भी वो पत्थर टूट चुका है, क्योंकि आपका कंसिस्टेंसी, एक जगह में बार बार हथौड़ा मरने की वजह से आपका पत्थर भी टूट जाता है। दोस्तों, आप शायद दशरथ मांझी का नाम सुना ही होगा, जिन्होंने बिहार से बिलोंग करता है, जब उनका पत्नी मर गए थे, उन्होंने ठान लिया था कि अब मैं इस पहाड़ों को चीर के रास्ता बना दूंगा, और 22 साल तक मेहनत करते रहा, तब जाके उन्होंने एक रास्ता बनाने का ठाना। लेकिन बहुत सारे लोग उनको क्या कहता था पता है, पागल हो गया हो, कामयाब नहीं हो पाओगे, अब छोड़ दो, बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आ चुका था। लेकिन उन्होंने हौसला नहीं हारा, और वो जानता था उतना लिखाई पढ़ाई नहीं हो के भी कंसिस्टेंसी की दम पर उन्होंने पहाड़ को चीर के रास्ता बना दिया।